टूरिज्म जी जी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, किया गया है और वो अंदर आने दे रहे हैं। जो मतगणना के लिए सहयोगी या जो प्रत्याशी हैं वो जिनको भी जाना है उनका मोबाइल यहाँ पे जो है जमा कर लिया जा रहा है। ये टेबल लगी है जिनपे ये उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। जो मतदान कर्मी यहाँ पे है, मतगणना कर्मी, वो उपस्थिति दर्ज करने के बाद उनको वेरीफाई करके अंदर जाने दे रहे हैं जहाँ पे मतगणना चल रही है। संतोष, मैं आपको बताऊं कि 100 वार्ड है वाराणसी के नगर निगम के, जिनके लिए 50 टेबल बनाए गए हैं और 50 टेबल में एक टेबल मेयर के लिए भी है जहाँ पे मेयर के जो मतदान हुए उसकी भी मतगणना होगी। इसके अलावा राजा तालाब एक यहाँ की तहसील है जो गंगापुर नगर पालिका का जो चुनाव हो रहा है उसके लिए वहां पर मतगणना की व्यवस्था की गई है। आपको मैं बताऊं कि ये पहाड़िया मंडी है और मतलब समझिए परंपरागत तरीके से यहीं पर मतगणना होती रही है, चाहे लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की। और नगर निकाय जो प्राथमिक इकाई है, शहर के जो विकास कार्य होते हैं, शहर की जो देखरेख का कार्य होता है, उसके लिए जो यह नगर की पंचायत जो बड़ी पंचायत है, 100 वार्ड है यहाँ पर, वो उनकी मतगणना यहाँ पर चल रही है। ठीक, हरकेश अगर हम बात करें, ये तो तैयारियों की बात हो गई, लेकिन अगर हम साख की बात करें, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, पिछले 28 साल से नगर निकाय पर, नगर निगम पर भाजपा काबिज है, लेकिन ये इस बार देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने काफी टक्कर दी है, कैसे देखते हैं, क्या आपको लगता है? देखिए, सबसे आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा जी, कि चूंकि मत प्रतिशत जो मतदान प्रतिशत है वो काफी कम हुआ है वाराणसी में भी, बाकी जो जैसे प्रयागराज है, गोरखपुर है, इन जगहों पे भी जो शहरी इलाके हैं निकाय चुनाव के जो शहरी इलाके हैं उनमें सब जगह मतदान का प्रतिशत कम रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जो आप कह रहे हैं कि 28 साल से भाजपा यहाँ पर काबिज है, चूंकि बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि संघर्ष है, बहुत ही ज्यादा संघर्ष दिखाई दे रहा है, क्योंकि मतदान का प्रतिशत कम इस बार है और कांटे की टक्कर जो एक शब्द है राजनीति में आता है जब मतगणना होती है या उसके पहले भी राजनीतिक पंडित जो है इसका प्रयोग करते हैं कि कांटे की टक्कर, तो वो यहाँ पर जो चाहे भाजपा के हों, चाहे सपा के हों या कांग्रेस के हों, ये तीनों ही अपनी अपनी जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन अब मतगणना चल रही है, जो दावे हैं उनके वो कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा, लेकिन कांटे की टक्कर है। कई बड़े मंत्री भी वहां से आते हैं, कई बड़े विधायक भी है वहां से, क्या आपको लगता है कि वाराणसी की जो सीट है वो साख बचाने की सीट होगी? देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और वाराणसी में विकास कार्य हो रहे हैं ये तो सभी मानते हैं, लेकिन चूंकि ये एक अलग तरह का चुनाव है, जो पार्षद होते हैं 100 वार्ड है यहाँ पे पार्षदों के और एक स्थानीय चुनाव है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो मत देने का आधार थोड़ा सा इस बार जो ट्रेंड होता है वो चेंज होता है नगर निकाय के चुनाव में, लेकिन निश्चित रूप से साख का सवाल है और ऐसी उम्मीद भी जता रहे हैं भाजपा के लोग भी और यहाँ के लोग भी कि वो उम्मीद की हाँ मतों का अंतर कम होगा लेकिन जीत की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसा आप भी बता रहे हैं कि सपा ने काफी मेहनत की है और जो चूंकि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र कुछ थे जो इस बार नगर निगम में जुड़े हैं, तो जो मतदान का प्रतिशत है शहरी इलाके से वो जो नए क्षेत्र जुड़े हैं, क्योंकि उनमें उत्साह भी है कि वो नगर निगम में जुड़े हैं, तो उनका मतदान प्रतिशत ज्यादा रहा है।